मेम साहब, वो डिलीवरी बॉय आया था, ये कुछ खाना देके गया है। अरे यार, देखा मेरी याददाश्त को, काम में इतना बिजी होगी कि ये तक भूल गई कि मैंने खाना ऑर्डर किया था। ये तो अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर लेकर आ गए। चलो अब इसे यहाँ रख दो। ओ मैम साहब, और ये बिल? बिल तो मैंने ऑनलाइन पे कर दिया था। तो अब इसका क्या करूँ? डस्टबिन में फेंक दो। हेलो मैम, मैं रेस्टोरेंट से बात कर रहा हूँ जहाँ से अभी आपने खाना ऑर्डर किया था। जी एक्चुअली मैम, आपका नंबर हमारे लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है, इसलिए आपको कॉल किया गया है। आप सच बोल रहे हैं? आपको ये बताने के लिए कॉल किया गया है कि आप अब से हमारे यहाँ से जो भी खाना ऑर्डर करेंगी उस पर आपको 3 महीने तक पूरा 50% ऑफ दिया जाएगा। ओके ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा उसके लिए? बस ज़्यादा कुछ नहीं, आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, आप मुझे वो बता दीजिए। ओके एक मिनट, 6412। ओके मैम, अभी आपके फोन पर एक यस का ऑप्शन आएगा, आप उसको यस कर दीजिए। ओके ओके कर दिए भैया। ओके मैम, आप कल से हमारे यहाँ खाना खाने आ सकती हैं। थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू। इन मैडम को तो पता ही नहीं कि इनके साथ होने क्या वाला है। इन पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान होता है। तो करें अब शुरू खाना? हाँ शुरू करते हैं, और अब ना तुम इस खाने की आदत डाल लो। रोज खाना खाने की आदत? क्यों भाई, तुम्हारी कोई लॉटरी वोटरी लगी है क्या? अरे लॉटरी नहीं, तुम्हें पता है अभी ना रेस्टोरेंट से कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया कि 3 महीने तक ना मुझे वहाँ का खाना 50% ऑफ मिलेगा। क्या बात है, वैसे मैं तुम्हारे खाने से पहले ही परेशान था और ऊपर से अभी 50% वाला ऑफ। खाए अब? हाँ चलो। दो विशाल, मेरे अकाउंट से 1.5 लाख डेबिट हुए। 1.5 लाख डेबिट हो गए? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास कोई कॉल वगैरह आया था? नहीं। हाँ वो रेस्टोरेंट से कॉल आया था, वो 50% ऑफ बताने के लिए। उन्होंने कोई OTP या वगैरह ऐसा कुछ मांगा था या कोई एप्लीकेशन पे कुछ? हाँ OTP मांगा था और एक यस का ऑप्शन भी क्लिक करने को बोला था। यार महक, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी तुमने किसी को OTP बता दिया और ऊपर से वो यस। यार एटलीस्ट कहीं क्लिक करने से पहले पढ़ तो लो उसमें क्या लिखा हुआ है। यार क्या फायदा तुम्हारा इतना पढ़ा लिखा होने का? महक तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है तुम्हारे साथ। ओह शिट, इतना बड़ा स्कैम हो गया। कोई नहीं, अब इन बातों से कोई फायदा नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ और कुछ भी होता है तो तुम्हें बताता हूँ। और परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा।